Start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Mubarak. To go back to what we used to. ये मेरी मम्मी जो सबको अभी ईद मुबारक विश करेंगी. ईद मुबारक. Rather than stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Hey guys, good morning. And आप लोग मुझे मेरे गले से ही पता चल रहा है कि मुझे थोड़ा सा बुखार है. मतलब मुझे बहुत सर्दी हो गई है. कुछ दिन से कंटिन्यू में शाम को एक्सरसाइज कर रही थी, उसके बाद मैं नहा रही थी दो बार शाम को और फिर दोपहर को, तो उसकी वजह से मुझे शायद ठंड लग गई है. मैं दो दिनों से कुछ वीडियो भी अपलोड मैंने नहीं किया है और क्योंकि मैं ठीक नहीं थी. तो आज ईद है एंड मैं सुबह नहा धो के मैं फ्रेश हो गई. हम लोगों ने नमाज भी पढ़ लिया है. तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि या ईद हम लोग घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल. सो घर पर ही हम सभी ने नमाज पढ़ लिया है और अभी तक कुछ खाया नहीं है. सो अभी हम लोग जाएंगे फिर खाएंगे एंड मैं पूरा दिन आज शूट करने वाली हूँ. सबाई के ईद मुबारक. पिछले कुछ दिनों से मैंने कोई स्किन केयर कोई कुछ भी नहीं किया है अपने स्किन के ऊपर. सो यू कैन सी कि मेरी स्किन जो है बिल्कुल डल लग रहा है. सो आई विल यूज, तो मैं मुझे पहले लगा कि मैं तैयार नहीं होंगी, घर पर ही तो रहना है. देन आई थॉट कि नहीं, तैयार होना है एटलीस्ट. मतलब अच्छा लगता है ना तैयार होने में. तो ये जो ड्रेस है, ये जो मेरा आउटफिट है, ये मेरे पापा ने बनाकर दिया है. हम सबका जो आउटफिट है वो मेरे पापा ने ही बनाकर दिया है. तो घर पर ही जो भी कपड़े थे उनमें से ही. सो हम लोगों ने शॉपिंग भी नहीं की है, जो है उनमें से ही मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके बनाकर दिया है. तो तैयार तो होना ही था. सो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर, ये अर्बन बोटानिक्स का मॉइस्चराइजर. करंटली आई एम यूजिंग दिस क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास. ये मुझे PR में रिसीव हुआ है एंड हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते, ऑनलाइन मंगाते हैं चीज़ें एंड बस वही. Pink shade.
सो दिस इज द मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है. ये कोई मेकअप लुक नहीं है बाय द वे, ये जस्ट एक डेली वेयर का. और हेयर्स का मैंने अभी तक कुछ स्टाइलिंग नहीं की है क्योंकि अभी बाल मेरे भीगे हैं, तो जब सूख जाएंगे उसके बाद मैं सोच रही हूँ नॉर्मल सा घर पे जो कर सकते हैं वही करेंगे. तो अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता खाएंगे, तो नाश्ते में आज कुछ स्पेशल है, चलिए दिखाती हूँ. आज ईद का ब्रंच जो हम लोग अभी खाएंगे, सो टेस्टी एंड सो यम्मी. सो ये है पूरी, ओके, गर्मा गर्म पूरी, और उसके साथ है यहाँ पर चिकन, चिकन कौशा जो बंगाली में बोलते हैं वो, ये चिकन कौशा है. एंड उसके साथ है यहाँ पर पायेश मतलब खीर, सो यम्मी. सो मैं तो अभी एंजॉय करूँगी फुल. मेरी दीदी है यहाँ पर, वो उसने तो खाना स्टार्ट भी कर लिया है, मैं भी इसका खाना स्टार्ट करूँगी. दोपहर को मैं ऐसे ही बैठी थी, फिर मुझे अचानक लगा कि चलो एक मेकअप लुक क्रिएट करते हैं और उसे मैं आज ही मतलब ईद के दिन ही अपलोड करूंगी. सो मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट किया है, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताइए. जस्ट लुक एट दिस, अभी भी 27 मिनट्स बाकी है. मैं ये एक वीडियो दोपहर से अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ एंड अभी भी 30 मिनट्स बाकी है. पहले शो कर रहा था 2 आवर्स बाकी है. यहाँ पर जोर की बारिश आने वाली है. मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी तो आप सबको पता चलेगा. एंड पूरा दोपहर चला गया मेरे इस वीडियो को अपलोड करने में. ये एक मेकअप लुक, आज का जो मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो उसको मैंने शूट किया है, उसको मैंने एडिट किया, फिर मैं अपलोडिंग में दोपहर से लगी हुई हूँ, अभी तक अपलोड नहीं हुआ. और मैं इंस्टा पर भी लाइव गई थी आज पहली बार एंड आई हैड ऑसम एक्सपीरियंस, लेकिन मैं भाग गई लाइव से. बस 10 या 8 मिनट मैं लाइव पर थी. सो चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ. चेक करिए आप, बादल चेक करिए, जस्ट बहुत ज़ोर की बारिश आएगी. तो चलिए एक बार छत पर जाते हैं. तो छत पर हमारे एक छोटा सा गार्डन है, वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी. तो ये है हम सबका एक छोटा सा गार्डन जो मेरे पापा ने छत पर ही बनाया है. तो मेरी मम्मी और पापा यहाँ पर जो सब्जी वगैरह है वो सब लगाते हैं जब भी टाइम मिलता है तभी. तो ये मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, बट बंगाली में इट्स कॉल्ड पुई शाक. और ये वाला कुमड़ो ये उसका पेड़ है. एंड ये छोटे छोटे टब्स में कुछ और पौधे लगाते हैं. एंड ये वाला एलोवेरा का पौधा है. सो यह ये बहुत ही क्यूट सा एक छोटा सा गार्डन हमारे छत पर है. चेक करें आप इस बंदर को, चेक करें. और इस फ्लैट में तो इतने सारे बंदर हैं, एक तो ऊपर से नीचे भी आ रहा है. तो ऐसे ही व्लॉग्स बनाने में बहुत मज़ा आता है. तो ऐसे व्लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं, मैं और भी व्लॉग्स डेली व्लॉग्स शेयर करूँगी. और इस महाशय को देखिए, मेरे इतने करीब था वो. और जब भी शाम का टाइम होता है हम सभी छत पर आते हैं, ये एक डेली रूटीन जैसा हो गया है. और सभी पतंग उड़ाते हैं हम सबको छोड़कर. तो यहाँ पर देखिए कितने सारे पतंग हैं, मतलब छोटे 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 छोटे, ये जो है ना ये सारे पतंग हैं. और इसका टेल देखिए कितना लंबा है इसका टेल. और इतने मतलब खूबसूरत हवा चल रही थी कि कितना अच्छा लग रहा था. और ये ईद मैं कभी नहीं भूलूंगी, पूरा दिन घर पर. वैसे तो हम लोग ईद पर गाँव पर जाते हैं, जो मेरे पिछले साल के व्लॉग पर आपने देखा होगा, ईद व्लॉग मैं विलेज पर गई थी. लेकिन इस साल हम लोग गांव नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों ने घर पर भी कितने मज़े किए. अब चेक करें कितने सारे पतंग हैं. और सभी पड़ोसी में जब गाना चला रहे थे और छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, वो सब हम लोग छत से देख रहे थे. तो कितना मज़ा आ रहा था, एक अलग ही तरीके का ईद हमने सेलिब्रेट किया. हर तरीके का सेलिब्रेशन में एक मज़ा होता है, ये एक अलग सा मज़ा था. और आप इस बंदर को चेक करें, ये तो पूरा खिड़की के अंदर घुस गया, पता नहीं कैसे. खिड़की खुलेगी तो पता नहीं क्या होगा. सो छत से आने के बाद दीदी और मम्मी चाइनीज चेकर्स खेल रहे थे. सो आप में से किस किस को चाइनीज चेकर्स गेम आता है, तो जिनको आता है नीचे कमेंट करके मुझे बताइए. हम लोग अभी चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद चारों मिलकर चाइनीज चेकर्स गेम खेलेंगे. ये रोज का रूटीन होता है. हाय गाइस, सो मैं बहुत देर बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग गेम्स खेल रहे थे चारों मिलकर चाइनीज चेकर्स. एंड उसके बाद मैंने डिनर भी कंप्लीट कर लिया है. सो अभी मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करूँगी. मैंने जो मेकअप किया था, मेकअप लुक मैंने शेयर किया है. तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेक कीजिए, यहाँ पर मैं लिंक कर दूँगी.
सो अभी मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करूँगी, सो आई थॉट कि मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी फैन सब ऑन है तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ जो भी मैं करूँगी, तो जो भी मैं यूज़ करूँगी सभी मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। सो या चलिए अभी देखते हैं कि मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ। आई स्टार्ट विद अ टोनर, यही गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर। आप चाहे तो नॉर्मल रोज वाटर को एज अ टोनर स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पर, उसे पैट कीजिए ताकि अच्छे से टोनर स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। देन आई यूज दिस सीरम, ये भी गुड वाइब्स का रोजिप सीरम है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में रिव्यू वीडियो है। एंड इसे मैं कभी कभार स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन लगाने से इंस्टेंटली यू कैन सी द ग्लो इन माई फेस, एकदम स्किन हेल्दी लुकिंग हो जाती है। देन आई यूज़ दिस मॉइस्चराइजर, यह है अर्बन बोटैनिक्स का, एंड इसे मैं बस 2 pumps लेती हूँ और उसे मैं अपनी स्किन पर मसाज करती हूँ। ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, सो इसीलिए मैं पहले 2 pumps लेती हूँ। और अगर आपको फुल डिटेल में एक मसाजिंग टेक्निक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मसाज, फेस मसाज इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर फेस पर ब्लड सर्कुलेशन आप चाहते हैं, फेस पर अलग सा ग्लो चाहते हैं, तो आप देख ही सकते हैं मसाजिंग के बाद मेरा फेस एकदम ग्लोइंग सा हो गया है। नेक्स्ट आई यूज अगेन 2 pumps ऑफ दिस मॉइस्चराइजर, उसे मैं नेक पर अप्लाई करती हूँ, थोड़ा सा अपने चीक्स पर अप्लाई कर लेती हूँ और एक हल्का सा मसाज करती हूँ, थोड़ा सा पैट करती हूँ, एंड दैट्स इट। रिसेंटली मैंने अंडर आई सीरम, मतलब जो जेल होता है अंडर आई जेल, वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। यह है ग्रैंडियोर का अंडर आई जेल। मेक श्योर आप एक अंडर आई जेल किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपके अंडर आईज को, जो कि बहुत नेसेसरी है। यू कैन सी द ग्लो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा। और अभी मैं सोने जाऊंगी, मैं ड्रेस चेंज करूंगी और उसके बाद मैं सोने जाऊंगी, एंड दैट्स इट। इस व्लॉग को पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके का अगर होम व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं कि हम दिन भर क्या क्या करते हैं और डिटेल्स में, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। सो एवरीवन स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, वंस अगेन ईद मुबारक, बाय बाय।